सो है गाइज व्हाट्सअप दिस अजय एंड आपका स्वागत है मिस्टर स्टडी हैकर यूट्यूब चैनल में। सो फाइनली गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो कि यार फिजिक्स से रिलेटेड है। तो अगर आप भी जेक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड से क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ यार आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में यार उन सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने वाले जो कि यार आपके फिजिक्स मतलब फिजिक्स से रिलेटेड है। तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो थोड़ा भी वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो यार आप सबको एक मतलब ओवरव्यू दे देना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यार आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन पैटर्न एंड पासिंग मार्क जो कि फिजिक्स सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि एमसीक्यू के साथ मतलब एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ होगी। उसके बाद प्लस न्यूमेरिकल्स को भी कुछ देखेंगे, प्लस पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स जो कि मतलब आपको पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, बट बेसिकली फिजिक्स में उसकी रिक्वायरमेंट होती है बट फिर भी थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में यार आपका लास्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए सभी वेट कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डेरिवेशंस जो कि यार आपको मतलब बोर्ड एग्जाम को में काफ़ी हेल्प करेगी। तो यार इन सभी चीज़ों को यार आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यार आज की जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो यार प्लीज़ वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज एज यू कैन मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार ये मॉडल पेपर है 2020 का, ठीक है, 2020 का जो कि लेटेस्ट है और ये सेट वन है। तो सेट तो ये मतलब फिजिक्स का मॉडल पेपर, तो इसके थ्रू यार हम लोग क्वेश्चन पैटर्न को भी जानेंगे, प्लस यहाँ पे मैं यार आपको पासिंग मार्क भी बताऊंगा, ठीक है। तो सभी कुछ यार आपको मतलब वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है बट यार प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे यार वीडियो काफ़ी लेंदी होती है। तो देखिए यार ये एजुकेशनल वीडियो है तो वीडियो थोड़ी लेंदी होगी ही, ठीक है, जस्ट बिकॉज यार एजुकेशनल वीडियो है तो यार वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी। तो यार प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020 का जो कि फिजिक्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसी के थ्रू भी यार आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, और सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यार वीडियो को मतलब देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है, ठीक है, ये आपका मतलब इसका लिंक भी आपको यार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको मतलब अगर आपके पास नहीं है तो। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी, अगर आपने इसको पता नहीं है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एनीवे गाइस बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले यार यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन पैटर्न आपका क्या है कि मतलब जो फिजिक्स में यार आपको मतलब टोटल मतलब चार ग्रुप में क्वेश्चन आपका बटा होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ए जैसे दिख रहा हो, ठीक है, इस तरफ से ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ठीक है, आपको चार ग्रुप में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप ए में यार आपको एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि यार वन मार्क कैरी करते हैं हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रुप ए में यार आपको टोटल 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि टोटल 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपको टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर मतलब जो हर क्वेश्चन यार वन मार्क कैरी करता है। तो 1 × 15 दैट इज बिकम 15, मतलब आपके टोटल 15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। ये ग्रुप ए, ग्रुप ए में आपको ये पूछा जाता है, ठीक है, हिंदी में से खंड आ भी बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आपका इस पे टोटल 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि 15 और 15 क्वेश्चन में से यार। और इसकी एक इंपॉर्टेंस बात मतलब बात क्या है कि एमसीक्यू इसमें यार अगर आपका मतलब सही हो जाता है यार आपका एक भी नंबर नहीं कटता है, आपको 15 out of 15 मिलता है, लेकिन अगर आपका मतलब गलती हो जाता है तो यार आपको एक भी नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अगर आप सब कर लेते हैं तो यार आपको 15 out of 15 मिल जाता है। तो ये एमसीक्यू की बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं खंड बी यानी कि या फिर आपका ग्रुप बी, ठीक है। तो ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी यानी कि जो ये जो ग्रुप बी है वो मतलब जैसे कि मैंने कहा फिजिक्स में यार आपको 4 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए बी सी डी, ठीक है। तो ग्रुप ए में यार आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं 1 × 15 MCQ 15 मार्क का। उसके बाद आपको ग्रुप बी में यार आपको टोटल जो 2 मार्क का क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 मार्क के आपको 8 क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से यार हर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है। तो 2 × 8 बराबर आपका जो मतलब इक्वल टू हो जाता है 16, यानी कि टोटल ग्रुप बी में आपको 16 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ग्रुप ए में 15 मार्क का एंड ग्रुप बी में आपको 16 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यार ग्रुप बी जो है उसमें थोड़ा सा मतलब एक दो न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ठीक है। ग्रुप मतलब ज़्यादातर यार आपके न्यूमेरिकल्स ग्रुप बी में और ग्रुप सी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट हम लोग यार क्वेश्चन पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं, फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद है आपका ग्रुप सी यानी कि खंड सा, ठीक है, ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में यार आपको टोटल इसमें भी यार आप टोटल आपको 8 मार्क मतलब 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में यार आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मार्क के। ग्रुप बी में आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क वाले यानी कि 2 × 8 × 16 मार्क का। उसके बाद ग्रुप सी में भी यार आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे ग्रुप सी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 मार्क कैरी करते हैं, यानी कि 3 × 8 दैट इज बिकम 24, यानी कि आपके टोटल ग्रुप सी में 24 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो
क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो ग्रुप सी में सबसे ज्यादा मार्क का, जिसमें 24 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्रुप सी में भी आपको यार कुछ मतलब थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं। आपका मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है वो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रुप डी है वो उसमें यार आपका ये जो ग्रुप डी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि यार आपका खंड दा जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो ग्रुप डी, तो इसमें से यार आपको टोटल 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क कैरी करता है, बट यहाँ पे यार आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको 6 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको आंसर देना है 3 का, तो ये एक बहुत मतलब पॉजिटिव पॉइंट है इसकी, कि क्या कि यार आपको टोटल मतलब क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको 3 का आंसर देना है यहाँ पे, तो ये मतलब एक मतलब प्लस पॉइंट है कि ग्रुप डी को आप मतलब थोड़ा अच्छे से मतलब हैंडल कर पाओ। ठीक है, और यहाँ पे यार आपको हर क्वेश्चन को आप मतलब हर क्वेश्चन का यार आपको 5 मार्क मिलता है, तो 5 × 3 = 15, तो यहाँ पे टोटल आपका यार 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी में से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप डी में यार आपको मतलब दो दो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसे मतलब सबसे पहले यार आपको एक क्वेश्चन कोई भी एक गिवन है, जैसे 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट होता है, तो कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसके नीचे अगर आप इन मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को मतलब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो यार आपको अथवा यानी कि और वाला क्वेश्चन आप नीचे वाला कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, जे इज इक्वल टू रो ई, ये वाला क्वेश्चन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार बोर्ड एग्जाम आने के भी चांसेस है ये वाला, ये मॉडल पेपर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यार क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इस टाइप से यार आपको क्वेश्चन पैटर्न के साथ ही आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से यार आपको मतलब एक क्वेश्चन मिलेगा उसके नीचे में और उसी टाइप से यार 19 नंबर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस उसके नीचे और, तो अगर आप जो मतलब सकते हैं उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन पैटर्न की बात, और इसका पासिंग मार्क जो है इसका पासिंग मार्क वो 23 है। ठीक है, तो टोटल जो है आपका फिजिक्स का जो पेपर रहता है वो 70 मार्क का रहता है। ठीक है, टोटल 70 मार्क का पेपर रहता है, 70 में मतलब थ्योरी पेपर जो है, और टोटल जो फिजिक्स का जो कंप्लीट जो अगर मार्क देखे तो आपका टोटल मतलब हर सब्जेक्ट का 100 होता है। ठीक है, तो फिजिक्स का भी आपका 100 मार्क का क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें से यार आपको 30 मार्क प्रैक्टिकल का मिलता है। ठीक है, और जो 70 मार्क जो रहता है 70 वो थ्योरी पेपर का रहता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फुल मार्क 70, और जो बाकी जो 30 मार्क है वो आपका प्रैक्टिकल में, तो यार प्रैक्टिकल में 30 में से यार आपको एटलीस्ट 25 to 28 के अंडर में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन 29 भी कभी कभी किसी को मिलता है, वो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर या फिर कॉलेज के ऊपर, उसके बाद आपका जो ये थ्योरी पेपर है 70, ठीक है, तो इसमें से यार 70 जो मतलब थ्योरी में आपको 70 मार्क का रहता है, इसमें यार आपका इसका जो पासिंग मार्क है वो आपका 23 है, यानी कि 23 आपका पासिंग मार्क है। तो अगर आप एटलीस्ट यहाँ पे मतलब कुछ मतलब स्टूडेंट कहते हैं कि 22, सपोज यार आपका 22 भी आ जाता है ना, एंड आपने अगर कुछ मतलब जो भी क्वेश्चन को अगर अलग से मतलब सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, अगर आपका 22 मार्क अगर आप सही आंसर मतलब सही मतलब क्वेश्चन को सही से लिखते हैं, ठीक है, और बाकी यार कुछ क्वेश्चन को आप उल्टा पुल्टा जैसे मतलब लिख देते हैं, तो भी यार आपको यार 23 पासिंग मार्क मिल जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट यार 22 तक यार आपका आना चाहिए, लेकिन 23 पासिंग मार्क, ओके। लेकिन अगर आप 22 मतलब आप मतलब 22 मार्क का ही लिखते हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर आपको यार पासिंग मार्क दिया जाएगा, अगर आप कुछ अदर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो यार आपको 22 मार्क का मतलब दिया जाता है। इसीलिए यार मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी यार क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें यार कोई नेगेटिव मार्किंग कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपका सही हो जाता है आंसर तो यार आपको मार्क मिल जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये थे क्वेश्चन पैटर्न एंड पासिंग मार्क, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम लोग का टिप्स एंड ट्रिक्स विद एमसीक्यू, यानी कि हम लोग यहाँ पे कुछ मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करूंगा, प्लस यार कुछ एमसीक्यू। ठीक है, मतलब एमसीक्यू के बेसिकली ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो एमसीक्यू की हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको साथ मतलब डिस्कस करूंगा, तो देखते हैं चलिए टिप्स एंड ट्रिक्स को एंड एमसीक्यू। तो गाइज अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू पे, ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ठीक है, कि ये यार आपको मतलब बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क दिलवा सकती है, और ये आपको मतलब आपसे छीन भी सकती है। दैट मीन्स यार इसमें यार आपको मतलब मार्क मतलब इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि यार इसमें अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको मतलब फुल मार्क मिल जाता है, यानी अगर 15 क्वेश्चन को सही करते हैं तो आप 15 out of 15 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहाँ पर यार आपको एक भी मार्क मतलब हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपका सही हो जाता है तो यार आपको फुल मार्क मिलेगा, इसकी एक प्लस पॉइंट है। तो अब इसके कुछ टिप्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि 2018 से पहले का अगर आप एमसीक्यू देखें तो उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज रिपीट भी हो रहे थे। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू करें तो यार आपको मतलब चांसेस है कि आप मतलब थोड़ा अच्छे मतलब नंबर स्कोर कर सकते थे, लेकिन 2019 से यार चेंज हो गया। ठीक है, क्या चेंज हो गया, आपको यार काफ़ी सारे जो मतलब जितने भी यार मतलब पूछे जा रहे हैं आपसे एमसीक्यू, तो उसमें यार ज़्यादा ही मतलब डीपली पूछा जा रहा है, डीपली तो नहीं पूछा जा रहा है, बेसिक से ही पूछा जा रहा है, बट यार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, मतलब जिन्होंने यार अच्छे से पढ़ रखी है वो यार उसको इजीली मतलब कर सकता है। ठीक है, हैंडल कर सकता है, बट यार जिनको यार थोड़ी भी मतलब समझ नहीं है, जस्ट उन्होंने जिन्होंने रटाफिकेशन वगैरह किया या फिर जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो यार उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर सकता है एमसीक्यू।
क्योंकि एमसीक्यू ज़्यादा ही आपको यार डीपली और घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो इसके लिए यार आपको मैं कुछ सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैंने मतलब बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें 90+ स्कोर करने वाली, उसमें भी मैंने बताया था कि यार आपको क्या करना है, हर चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। चैप्टर वाइज जैसे कि यार आपका मान लीजिए एक फिजिक्स का एक चैप्टर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यार आपको क्या करना है, उसके जितने एक मतलब एक डेडिकेटेड एक अलग से कॉपी लेना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मतलब एक पेज लिया, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को यार आपको नीचे में लिखना स्टार्ट कर दी। और सभी फॉर्मूला के जैसे कि आपका मतलब जितने भी फॉर्मूला उसके यार आपको मीनिंग भी वहाँ पे पता होने चाहिए। तो ऐसे यार हर चैप्टर का अगर आप मतलब करते और एक छोटा सा 10 रुपये का भी अगर कॉपी ले लेते तो यार वो काफ़ी आपको इम्पोर्ट मतलब हेल्प कर सकता था। तो अभी भी यार टाइम है, आप मतलब जितने भी फॉर्मूलाज है चैप्टर के, हर चैप्टर के यार आपको फॉर्मूला को रट लेना है, क्योंकि एमसीक्यू में बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला बेस आते हैं, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे एक दो न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं तो भी फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आपको यार फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसको हैंडल कर पाओगे, ठीक है। बट यार फॉर्मूला को सिर्फ याद करना नहीं, उसको थोड़ा सा समझना भी होता है। तो ये थी ये पहली टिप थी। और दूसरी टिप ये है कि यार मतलब जो आप बर्मा गैस या फिर शर्मा गैस या फिर प्रीवियस ईयर को कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से यार सबसे ज़्यादा तो आप जो कौन से चैप्टर करें, सबसे पहले यार आपका मतलब एमसीक्यू में, ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर को मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप वो करते हैं एमसीक्यू के, ठीक है, मैं मतलब अदर के यानी कि ग्रुप बी सी डी के तो यार आपको करने ही करने हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने बोला ग्रुप ए के जितने भी क्वेश्चन हैं यानी कि आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उनके लिए यार आपको मतलब एक इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, ठीक है। वो क्या है कि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले यार आपको मतलब ये जो चैप्टर है इनके यार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू के कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एटम एंड न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके बाद यार आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इन चैप्टर के यार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यू के। तो वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनसे यार क्वेश्चन आपका रिपीट होता है और बेसिकली ये जितने भी मैंने अभी बताया, ठीक है, उनके उनसे यार आपका मतलब फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से यार ज़्यादा आपको घुमा फिरा के नहीं आता या फिर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स टाइप के इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इन चैप्टर के। तो इन चैप्टर के यार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। प्लस यार आपको यार आपके पास बर्मा या फिर शर्मा गैस तो होगा, ठीक है, तो उसके यार आपको जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं उन्हें भी कर लीजिएगा। और ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा यार अभी जस्ट मैंने जितने भी चैप्टर बताए, ठीक है, उन चैप्टर के सबसे पहले यार आपको करने हैं। और बाकी जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिज्म, फिर मतलब अल्टरनेटिंग करंट और ईएमआई, ये सब ये वाला जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स, इन सब से यार जो क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के आता है, फिर न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वर्मा शर्मा के मतलब कभी कर सकते हैं, इसके भी मतलब इन सब के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बट यार सबसे पहले मैं आपको मतलब रिकमेंड करूँगा कि आप इन चैप्टर के मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि इनसे यार क्वेश्चन मतलब ज़्यादा वेराइटी टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो यार ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफली क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मतलब ज़्यादातर, ठीक है। तो इनको मतलब इन सबको सबसे पहले कर सकते हैं और इन सबके भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो तो बाकी जो आपके चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ईएमआई, ठीक है, मैग्नेटिज्म जो भी है, इन सब से यार आपको थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस तो पूछा जाएगा, बट न्यूमेरिकल्स टाइप के पूछे जाएंगे या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो यार ये वाली यार आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लीजिए या फिर वर्मा शर्मा गेस्ट के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको कर सकते हैं, तो उनको यार कर लीजिएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए टिप्स है और मैं आपको यार काफ़ी सारे टिप्स दूंगा, तो यार वीडियो को देखते रहिए। सो गाइज अब हम लोग बात करते हैं यार एमसीक्यू के, मैंने जस्ट कुछ टिप्स आपको दिए, ठीक है। उसके बाद यार मतलब अगर आप एमसीक्यू एनालाइज करने जाए, ठीक है, या फिर एमसीक्यू देखें, तो यार फिजिक्स में यार आपको कुछ ऐसे एमसीक्यू मिलते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में, जो कि यार आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब डेफिनेटली वो आते ही आते हैं, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब उस टॉपिक को यार आपको करके जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक टॉपिक मतलब कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एमसीक्यू यार अच्छे से मतलब वीडियो में कवर कर सकता था, बट यार टाइम मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकती है, मतलब लेंदी होगी, तो यार मैं इसलिए ज़्यादा मतलब डीपली आप नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यार आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि एंड गेट मतलब द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। तो ये अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट तो ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब एंड गेट का जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे यार आपको एक मतलब चीज़ मतलब ध्यान में रखना है कि वो ये है कि आपके मतलब जो ये जो क्वेश्चन है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही आपका क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आपका एक टॉपिक है लॉजिक गेट्स, ठीक है, तो उसको यार अच्छे से कर लीजिएगा। उसमें से यार आपके 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में,
ठीक है। तो उसमें से यार सबसे पहले तो आपका एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, जो कि 1 मार्क कैरी करता है और जो कि यार आपका लॉजिक गेट से बेसिकली क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे पूछा है कि एंड जो एंड गेट का वो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इस टाइप से। तो उसमें यार आपको मतलब दूसरे गेट का पूछ सकता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए और गेट का पूछ सकता है, नॉट गेट का पूछ सकता है, ठीक है, और गेट, नॉर गेट और आपका नॉर गेट, ठीक है, नॉट गेट, नॉर गेट, NOR, इन सबसे मतलब टोटल 5 गेट का आपको पूछ सकता है। और आपका एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो होता है, ठीक है, XOR गेट, उसका यार नहीं पूछेगा, वो आपका मतलब हायर स्टडीज पर आता है। तो इसमें बेसिकली यार आपको 5 गेट के, 5 गेट के मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। तो यार आपको 5 गेट को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका उसका ट्रूथ टेबल भी पूछता है, तो ट्रूथ टेबल को भी अच्छे से यार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, तो एमसीक्यू लिए यार आप मतलब आपका लॉजिक गेट वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये मतलब ये जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी से ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें से यार जिसमें आपको मतलब सेमीकंडक्टर पी एंड एन टाइप वो वाला मतलब पी एन जंक्शन डायोड वाला, उसमें से यार आपको एक एमसीक्यू पूछा ही जाता है, तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो यार बेसिकली यार वीडियो काफ़ी लेंदी हो मतलब लेंदी हो जाएगी, तो यार आपको मैं इसीलिए अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, बट यार थोड़े बहुत मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आप समझ सके। उसके बाद यार क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर जो है आपका, इसमें पूछ रहा है कि बात करते हैं तो किरचॉफ लॉ से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि किरचॉफ का पॉइंट रूल या फिर जंक्शन रूल इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मतलब इसमें बेसिकली आपको मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कि जो किरचॉफ ने जो मतलब जितने भी लॉज दिए थे, ठीक है, उसमें से तो किरचॉफ ने बेसिकली 2 लॉज दिए थे, ठीक है, मतलब किरचॉफ का 2 लॉज है, जिसमें से फर्स्ट लॉ है आपका जो कि है जंक्शन रूल या फिर करंट लॉ उसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट लॉ है। उसके बाद जो सेकंड लॉ है आपका वो है लूप रूल एंड पोटेंशियल लॉ एक होता है, ठीक है, वो मतलब बेसिकली 2 लॉ दिया था, ठीक है। तो इसमें से आपको यार कोई भी यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले यार आपको पॉइंट रूल एंड जंक्शन रूल, ये दोनों कोई मतलब ये नथिंग बट ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। उसी प्रकार से आपका लूप रूल या फिर आपको पोटेंशियल लॉ पूछ सकता है, ठीक है, तो वो दोनों भी सेम है। तो वो वाला, ठीक है, उसमें से पूछ रहा है कि वो वाला जो है वो मतलब कौन सा ये को मतलब दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मोमेंटम, ठीक है, किसको। तो ये क्वेश्चन यार आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको यार अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से सिर्फ 2 लॉ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जिसको जंक्शन रूल या फिर करंट लॉ या फिर पॉइंट रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा है लूप रूल या फिर पोटेंशियल लॉ, ठीक है, इन 2 से यार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो यार इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे मतलब किरचॉफ लॉ से यार आपको एक बात और मतलब और एक बात क्लियर कर दूँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यार आपको बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको मतलब किरचॉफ लॉ में यार 2 लॉ से पूछा जाता है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे यार आपको मतलब थोड़ा सा मतलब ये करने के ट्रिक करने के लिए आपको मतलब ट्राई करता है, वो क्या है कि यार आपको कभी कभी मतलब इसमें किरचॉफ का फर्स्ट लॉ दिया जाता है, कभी सेकंड लॉ दिया जाता है, या फिर कभी आपको यहाँ पे मतलब फर्स्ट सेकंड मतलब नहीं दे करके आपको पॉइंट रूल लिख लिया जाता है, या फिर जंक्शन रूल, या फिर आपको वोल्टेज रूल, करंट रूल, ठीक है, करंट लॉ, इस टाइप से यार आपको मतलब घुमा फिरा के मतलब बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको यार एक बात क्लियर कर दूँ या फिर कन्फर्म कर दूँ, ठीक है, तो जो सबसे पहला जो मतलब जो है किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है, ठीक है, उसको हम लोग जंक्शन रूल, ये जो है जंक्शन रूल या फिर आपका पॉइंट रूल भी उसको कहते हैं, या फिर उसको करंट रूल या फिर वोल्टेज लॉ, ठीक है, करंट लॉ या फिर वोल्टेज लॉ भी उसको कहते हैं। ये है किरचॉफ का फर्स्ट रूल, ठीक है। उसको जो सेकंड रूल है उसको यार लूप रूल या फिर आपका पोटेंशियल लॉ भी उसको कहते हैं, ठीक है, जो कि सेकंड लॉ है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, उसमें मतलब बता रहा है कि किरचॉफ का संधि का नियम, ठीक है, मतलब किरचॉफ का जो लॉ है वो मतलब निम्न कहते हैं किस राशि के संरक्षण के सीधी या फिर जो भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसके, तो इसका जो आंसर होगा चार्ज के। तो इसमें से बेसिकली यहाँ पे पॉइंट देखो, आप यहाँ पे एक ट्रिक यूज करना है कि पॉइंट रूल या फिर जंक्शन रूल या फिर आपका जो भी करंट लॉ है, तो करंट जो है रिलेटेड होता है चार्ज से, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो चार्ज से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सेकंड लॉ की बात करता है, यानी कि दूसरे लॉ सेकंड लॉ जिसमें से यार आपका लूप रूल या फिर पोटेंशियल लॉ की बात करता है, तो वहाँ पे यार आपका जो आंसर होगा वो होगा एनर्जी होगा, ठीक है, उसका जो एनर्जी होगा मतलब उसका जो आंसर होगा ऊर्जा यानी कि एनर्जी होगा। तो ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, और ये किरचॉफ लॉ से ही पूछा जाता है, तो जो कि यह काफ़ी ईजी भी होता है और इसको आप इजीली हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यार 2 क्वेश्चन आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में आता है, और बेसिकली कहीं बाहर से भी किरचॉफ लॉ से पूछ सकता है, बट यहाँ पे बेसिकली 2 मतलब इससे ज़्यादातर पूछने का चांसेस है, ओके।
तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस टाइप ये वाला क्वेश्चन यार हमेशा पूछा जाता है कि मतलब ताप में वृद्धि या फिर मतलब अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। इसमें कंडक्टर दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है सेमी कंडक्टर देता है, कभी मतलब आपका नॉन कंडक्टर कहीं मतलब कुछ भी यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा कर देता है। लेकिन बेसिकली इस टाइप का यार आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका यार मतलब किसी रेजिस्टेंस का जो भी है वो मतलब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है। वो क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा बार बोर्ड में आ भी चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो यार इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यार बोर्ड एग्जाम में एक एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई यूनिट वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपको यार यूनिट मतलब सॉरी डायमेंशनल वाला यानी कि एमएलटी वाला भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट इस बार के यार मॉडल पेपर के हिसाब से आपको एमएलटी मतलब डायमेंशनल वाला नहीं दिया हुआ है, डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ आपको एसआई दिया हुआ है, तो यार आपको मतलब बोर्ड एग्जाम में एक एसआई वाला क्वेश्चन आपका रहता है। तो यार जितने भी यार मतलब आपके टॉपिक्स हैं उन सभी के मतलब एसआई यूनिट्स को आप मतलब याद कर लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो ये थे मतलब कुछ ये से रिलेटेड एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ ये। अब यहाँ पे यार देख सकते हैं आपको मतलब क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे यार क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से आई थिंक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन, यहाँ पे पहला आप ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इनमें से यार आपको एक फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है, फॉर्मूला पे। जैसे कि आपको यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन, किसी एक फोटोन की एनर्जी जो कि लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, इस टाइप से यार आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से यार आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो क्वेश्चन ये पे 9, 10 ये जो क्वेश्चन है वो आपका यार करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एटसेट्रा से आपका ईएमआई, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट, इस सबसे यार आपका आया हुआ है। तो इन सब से आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो आपका मतलब थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप्स के हैं, जैसे कि यहाँ पे एलसीआर सर्किट में यहाँ पे ये आप न्यूमेरिकल है छोटा सा, बट इसमें यार कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना और न्यूमेरिकल पे डाल देना, तो आप इसको मतलब इसका भी वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो इसको मतलब हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये थे यार एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ बातें। हाँ, अब मैं यार एमसीक्यू से रिलेटेड काफ़ी सारे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, जो कि यार आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के में आप यार अच्छे से उसको मतलब यूज़ करेंगे तो यार आपको मतलब बहुत थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले यार आपको मतलब एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जितने भी यार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर यार फॉर्मूला बेस पूछे जाते हैं, या फिर एक दो न्यूमेरिकल आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, या फिर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको मतलब एक ये जो दिया हुआ है, ठीक है, एक फ्रिज मतलब कोई भी एक फ्रिज के द्वारा जो भी उसका ये होता है, ठीक है, डिस्पर्जन होता है, तो उसमें से यार मतलब फ्रिजम के थ्रू तो कौन सा जो रे है वो डाइवर्ट होता है लिस्ट, मतलब सबसे ये कौन सा मतलब डाइवर्ट होता है, इसमें से यार आपको बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ज़्यादातर मतलब ये स्पेक्ट्रम से ज़्यादातर क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें से रेड और ब्लू का जो है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो इन ये वाला क्वेश्चन आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली एमसीक्यू में क्या है कि आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस पर यार उसी फॉर्मूला पे एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है आपके, और थर्ड है आपको बेसिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनीवे गाइस, अब मैं आपको यार कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, ठीक है, जो कि यार एमसीक्यू में आपको मतलब तुक्का लगा सकते हैं, यानी कि इसमें मैं तुक्का लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपके से कोई क्वेश्चन अगर नहीं होता है, ठीक है, अगर लास्ट में एट द एंड, ठीक है, जैसे आप मतलब क्वेश्चन को सबमिट कर उस टाइम यार लास्ट में आप क्या कर सकते हैं कि यार उस क्वेश्चन का यार आंसर आपने खुद से मतलब ट्राई मतलब लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें यार क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्योंकि कोई एक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यार क्वेश्चन को आपको करके आना है, ठीक है। तो इसमें से यार आपको मतलब सबसे पहले एक टिप्स है, वो टिप्स ये है कि मतलब बोर्ड एग्जाम में यार आपका जो एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, उसमें से यार आपको ज़्यादातर फिजिक्स में यार आपको ऑल ऑफ द अबव का आंसर मतलब ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इनमें से सभी वाला ऑप्शन आपको फिजिक्स में ज़्यादातर नहीं मिलता है। फिजिक्स में आपको यार मतलब नॉन ऑफ द अबव वाला मतलब उसमें वो भी ज़्यादातर नहीं मिलता है, लेकिन अगर ऑल ऑफ द अबव की कंपैरिजन में नॉन ऑफ द अबव ज़्यादातर आपका फिजिक्स में मतलब रहता है, ठीक है। तो और यहाँ पे मतलब जो 90% चांसेस ये होता है कि यार आपका जो ऑल मतलब सॉरी नॉन ऑफ द अबव जो है वो यार आपका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है, वो मतलब वो तो आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी में मतलब जो भी नॉन ऑफ द अबव या फिर नॉन ऑफ दीज रहेगा वो यार आपका आंसर कभी नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है एक बहुत ही रेयर केस में, ठीक है, बट यार 90% चांसेस में वो आंसर नहीं होता है। तो उसके बाद अगर आप इसको मतलब क्या करना है, आपको इसको इलिमिनेट कर देना है, इसको हटा देना है, मान लिया नॉन ऑफ द अबव रहेगा, तो उसके बाद बाकी बचते हैं आपको थ्री ऑप्शन। तो थ्री ऑप्शन में जो सही है उसको यार आप उसको मतलब लगा सकते हैं, ठीक है, उस तीनों में से यार आपको मतलब कोई एक सही आंसर आप चूज कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा ईजी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव कभी आता है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जब आता है तो यहाँ पे उस पर यार सबसे पहले सर ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर सही हाँ हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे मतलब तीन जो अगर मतलब ऑप्शन ए बी सी उसमें मतलब जो डी है वो आपकी ऑल ऑफ द अबव रहेगा, तो ए बी सी में अगर मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो यार आपका जो आंसर हो सकता है वो ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ए बी सी में ज़्यादा डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए का वैल्यू आपका 15 है, बी का वैल्यू आपका 20 है और सी का वैल्यू आपका 150 है,
दैट मीन्स यार आपको डी में ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव, तो यार इसमें मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर ये वैल्यूज अगर आसपास में मतलब लाई करती है, ठीक है, ए बी सी, तो यार आपका ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये तो नॉन ऑफ द अबव। तो गाइस ये थी बातें मतलब आपके जो नॉन ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव के मतलब उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले यार नेक्स्ट टिप्स, जो कि नेक्स्ट टिप है वो यार आपका ये है कि कभी मतलब आपको यार एमसीक्यू में एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें यार आपको आंसर मतलब ए बी सी रहेगा, उसमें से यार सी आंसर में आपको यार इस टाइप का ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए एंड बी दोनों, मतलब दोनों आंसर होगा बोथ, ठीक है, ए एंड बी। तो ये वाला में यार मोस्टली जो केस में क्या होता है कि यार मतलब आंसर जो है ए बी दोनों वाला जो होता है बोथ वाला, वो वाला यार राइट आंसर होता है, ठीक है, मोस्टली केस में ये होता है। तो ये भी आप एक मतलब एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमेशा इस टाइप के केस में ऑप्शन सी हमेशा सही होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक मैंने बात की नन ऑफ द अबव, तो यार मोस्टली केस में होता ही नहीं है, ठीक है, आपका नन ऑफ द अबव। एंड ऑल ऑफ द अबव यार कैसा होता है मैंने जस्ट वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी। तो ये थी थोड़ी सी मतलब आपके एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ मतलब टिप्स, और भी कुछ बहुत सारे टिप्स हैं, बट यार वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी क्योंकि एमसीक्यू पे अगर पढ़े रहे तो यार काफ़ी मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो यार एमसीक्यू लिए बस इतना ही टिप्स है। तो यार एमसीक्यू लिए फिर से वन सेकंड मैं आपको रिमेंबर कर देता हूँ। सबसे पहले यार आपको फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा यार आपको बेसिक प्रॉपर्टीज कोई भी, ठीक है, चैप्टर का बेसिक प्रॉपर्टीज से पूछा जाता है। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो आपको फॉर्मूला पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और यार आपको मतलब एक कुछ एक टिप्स दूंगा आपको वर्मा या फिर शर्मा के जो भी है उसमें से यार जितने भी एसआई यूनिट वाले जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, कोई ना कोई यार क्वेश्चन एसआई यूनिट से पूछा जाएगा, तो यार एसआई यूनिट वाले क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो ओके गाइस ये थी यार एमसीक्यू से रिलेटेड टिप्स, जो आई होप यार काफ़ी ज़्यादा मतलब आप सबको समझ आ गया, बट यार काफ़ी ज़्यादा मतलब लेंदी हो गई है। तो एनीवे गाइस आप बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गाइस हम लोग का जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल्स की बात को तो हम लोग यहीं पे यार कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स, तो ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स की यार क्या बात करें, तो न्यूमेरिकल्स बेसिकली यार मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो यार आपको न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यार न्यूमेरिकल्स पर फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मतलब न्यूमेरिकल्स पर फोकस करेंगे तो यार आप मतलब कुछ अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं है चैप्टर, दैट मीन्स यार आप न्यूमेरिकल्स को उतने मतलब इजीली आप मतलब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यार फॉर्मूला अच्छे से आता है, ठीक है, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, तो यार आप न्यूमेरिकल को कर लोगे। एंड एनी वे यार न्यूमेरिकल जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में मतलब 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। उसमें से जो मोस्टली न्यूमेरिकल आते हैं वो यार आपके बी एंड सी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मतलब वन मार्क जो कि एमसीक्यू में भी एक दो न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे आते हैं, बट यार बी एंड सी में मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड गाइस जो सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, वो आपके यार कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले यार ऊपर की आपको यूनिट वन से लेकर यूनिट फाइव तक, ठीक है, सॉरी यूनिट वन से लेकर यूनिट फोर तक जितने भी है उनसे यार आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बहुत ही कम चांसेस है न्यूमेरिकल्स आने के, लेकिन आपका यार डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर और आपका जो एटोम एंड न्यूक्ले इसमें से यार आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे यूनिट वन से लेकर यूनिट फोर तक इधर से यार आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। और यहाँ पे इधर वाले में से यार आपको ऑप्टिक्स से तो एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है, हर बार यार आपको एक न्यूमेरिकल्स मिलेगा ही मिलेगा ऑप्टिक्स से, ठीक है। उसके बाद आपका यार डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर और एटोम एंड न्यूक्ले इनमें से यार आपको एक न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। बाकी यार आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम्युनिकेशन सिस्टम और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इनसे यार आपका न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस आने का और नहीं आता है, ना ही बराबर, ठीक है। और बाकी इन सबसे यार आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और न्यूमेरिकल्स आपके यार 10 से 15 मार्क के आते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा मार्क के नहीं। अगर आपको मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुए तो यार आप न्यूमेरिकल्स को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके जगह यार आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन मतलब सॉरी ग्रुप ए एंड ग्रुप डी पे फोकस कर सकते हैं, जो कि यार आपके लिए काफ़ी मतलब इफेक्टिवफुल होगा। तो ये था न्यूमेरिकल्स की बात, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ये की तरफ, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट जो टिप है वो है आपका पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, यानी कि पेपर को यार प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए यार सबसे पहले तो मैं फिजिक्स का कोई मतलब पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स तो नहीं होता है, ठीक है, बट बेसिकली मैं आपको यार एक थोड़ा सा मतलब कुछ हिंट दूंगा जिसके थ्रू यार आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने यार अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यार आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से नहीं पढ़ा कोई एनी वे कोई बात नहीं, तो सबसे पहले यार बोर्ड एग्जाम आपको यार आंसर शीट मिलेगा उसमें यार आपको ग्रुप ए का सबसे पहले यार आपको एक मतलब पेज बना देना है, मतलब लिखना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में ग्रुप ए लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन वन मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर, ठीक है, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर इस टाइप से यार आपको जितने भी टोटल 15 नंबर 15 नंबर तक यार आपको कर लेना है, ठीक है, फर्स्ट पेज में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसको मतलब उस टाइप से कर लेना, वहाँ पे आपको यार आंसर अगर आपको आता है तो लिखते जाइएगा, अगर नहीं आता है तो उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाद में जब यार पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद यार आप मे भी आपको यार उसका आंसर पता चल जाए, तो इसीलिए उसको यार मतलब
ब्लैंक ही रहने दीजिए, बाद में उसको कीजिए, अगर आपको आता है तो उसका कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यार आपको क्या करना है, सेक्शन मतलब ग्रुप ए करने के बाद यार आप डायरेक्टली, अगर आपको आता है तो मैंने क्वेश्चन भी दे रहे हैं, ठीक है, आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद यार आपको ग्रुप डी करना है, ठीक है, ग्रुप डी जो कि 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें यार आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, बट यार आपको उसमें 6 क्वेश्चन गिवन रहते हैं, तो यार उसको करना मतलब जो ईजी हो जाता है, क्योंकि 6 क्वेश्चन में से यार आपको मतलब सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो कोई भी यार मतलब और बोल करके क्वेश्चन रहता है तो उसमें से यार जो आप पूछ सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यार ग्रुप ए के बाद आप डायरेक्ट ग्रुप डी पे जंप कर सकते हैं, अदरवाइज यार आप ग्रुप बी एंड सी को भी कर सकते हैं। बट ये छोटी सी टिप थी यार आपके लिए, इससे यार आपको मतलब बेनिफिट होगा कि मतलब आप ये ग्रुप ए को सबसे पहले यार आप इस स्टेप से कीजिएगा, उसके बाद ग्रुप डी को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यार आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसे मतलब कैसे हुई है, बट जैसे भी है सबसे पहले यार आपको ग्रुप ए को ऑप्शन आपको बना के रखना है, ठीक है, ताकि आप तुरंत तुरंत उसका आंसर लिख सके। और यार ग्रुप ए को छोड़ना नहीं है, ठीक, एक भी क्वेश्चन या ग्रुप मतलब आपका एमसीक्यू में नहीं छोड़ना यार, बाकी जितने भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर में यार एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चनों को आपको करके आना, ठीक है। तो ये थी पेपर प्रेजेंटेशन टिप के बारे में। अब नेक्स्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, और यही चीज़ के लिए यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाता, ठीक है, आपको डायरेक्टली यार पीडीएफ वगैरह का लिंक दे देता, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो कि इंपॉर्टेंट अपडेट अबाउट मतलब फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है जो कि यार मॉडल पेपर से रिलेटेड मुझे मतलब पता चली है। तो गाइस जो इंपॉर्टेंट अपडेट फिजिक्स है वो ये है कि आपका मतलब जो मॉडल पेपर है वो आप जैसा कि एज यू नो कि यार सेट 1 यानी कि एक ही सेट रिलीज हुआ है अभी तक, सेट 2 एंड सेट 3 वो नहीं आएगा, जहाँ तक आई थिंक वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यार सेट 1 आया हुआ है, ठीक है, तो लेकिन सेट 1 में अगर आप देखें तो इसमें से यार एक चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें से यार आपको 5 या 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम से, तो वो वाला चैप्टर यार आपके मॉडल पेपर मतलब मॉडल पेपर में उस चैप्टर से यार एक भी क्वेश्चन आपके गिवन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट है यार, और सोचने वाली बात भी है कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें से यार सबसे ईजी चैप्टर है फिजिक्स का, और इसमें से यार स्कोरिंग मतलब स्कोरिंग जो कि चैप्टर है उसमें से यार आपका एक भी क्वेश्चन आपका मतलब गिवन नहीं है आपके मॉडल पेपर में। चाहे तो आप यार मॉडल पेपर को पूरे चेक कर सकते हैं, मैंने जस्ट चेक किया, इसमें से यार आपको मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं है आपका मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम से। तो यार अगर कम्युनिकेशन सिस्टम से यहाँ पे मॉडल पेपर में एक भी क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है। बट ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि यार मतलब जेक जो है लगातार कंटिन्यूसली चेंजेस करते आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे सेट 1 है, तो सेट 1 में अगर गिवन नहीं है, क्योंकि जो मॉडल जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है वो 3 सेट को मिला करके बनता है, तो यहाँ पे सेट 1 है तो सेट 1 में भी गिवन नहीं हो, लेकिन यहाँ पे सेट 1 में यार आपका गिवन नहीं है, तो इस हिसाब से और एक मतलब एक ये भी है कि CBSE बोर्ड में यार जैसा कि जानते हैं CBSE में यार आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हटा दिया गया है, प्लस लॉजिक गेट वगैरह कुछ टॉपिक को भी हटा दिया गया है, बट यार जेक बोर्ड में लॉजिक गेट तो है बट यार कम्युनिकेशन सिस्टम का एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, तो इसीलिए यार ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता था। तो यार बोर्ड एग्जाम में अगर कम्युनिकेशन सिस्टम से आपका मतलब क्वेश्चन नहीं आता है, तो यार आपको मतलब थोड़े बहुत मतलब मार्क में मतलब ये हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यार वो स्कोरिंग टॉप चैप्टर है, वहाँ से यार अच्छे मार्क आते हैं और वो उसमें यार ज़्यादा वैरायटी टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का यार आपको यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ना ही यार आपको एमसीक्यू में दिखेगा और ना ही यार आपको यार 2-3 मार्क में मिलेगा मतलब मिलेगा, ठीक है। तो ये थी अब मतलब इंपॉर्टेंट बात, जो इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है, जो कि यार क्वेश्चन पेपर से। तो ऐसा नहीं कि अगर आप मतलब यहाँ पे नहीं दिवाए तो यार बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता, क्योंकि यार जेक कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है क्या क्या मतलब कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा, और कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेट मतलब कुछ भी अपडेट दिए बिना तो यार हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो यार आप कम्युनिकेशन सिस्टम के भी सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, ओके। तो आई नो गाइस कि सभी को यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेशन का वेट था, क्योंकि यार ये काफ़ी इफेक्टिव फुल होते हैं कम टाइम में ज़्यादा मार्क स्कोर करने के लिए, ठीक है, और ये काफ़ी हेल्प भी करते हैं। तो यार डोंट वेरी गाइस, ये जितने भी यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेशन है वो आपको आप सभी को यार फ्री ऑफ कॉस्ट एंड PDF फाइल में मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी यार, तो सबसे पहले यार आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेशन, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है, www.mrstudyacre.com वाली, तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यार आपको एक वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आई मीन कि यार आप इस टाइप का कुछ आपके सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा, या फिर आपका कोई भी ब्राउजर में ये लिंक ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये लिंक ओपन होगी तो ये जो है ये यार कुछ और नहीं, ये आपकी मतलब जो हमारी ही वेबसाइट है www.mrstudyacre.com। एज यू नो कि गाइस मैंने पहले ही एक बताया था, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं पहले एक मैंने बताया था कि आपके लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जिसपे यार आपको सारा स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, ठीक है। बट यार अकेले से सब कुछ नहीं हो पाता है, तो इसलिए यार ये जो वेबसाइट है वो अभी तक इनकम्प्लीट है, बट यार आपके काम के लिए थोड़ी बहुत ये हेल्पफुल होगी, तो इसलिए यहाँ पे यार आपको यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मतलब मॉडल पेपर मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले एनीवे गाइस आपको क्या करना है, जैसे ये मतलब ये वाली जो आपको मतलब पेज खुलेगी तो आपको नीचे यार स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। तो जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यार आपको 4 चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्यूल नेचर एटॉम और कम्युनिकेशन। तो डायरेक्टली आप डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे वो मतलब डायरेक्टली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा पीडीएफ फाइल। ठीक है, यहाँ पे आपको यार चैप्टर वाइज मिलेंगे, प्लस यार आपको यहाँ पे फिजिक्स के 5 मार्क टाइप यानी कि जो ग्रुप डी के क्वेश्चन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक यहाँ पे ही है। आप इसे जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और साथ में यार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे साथ में वो भी मतलब इंक्लूड नहीं है, ट्राई करूँगा उसे भी यहाँ पे जल्दी से जल्दी उसका लिंक भी यहाँ पे अपलोड करने की। जैसे मैं वो जो लिंक है अपडेट कर दूंगा आपको, मैं कम्युनिटी टैब यूट्यूब के कम्युनिटी टैब के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर आप इस लिंक को चेक करते रहेगा आपको यार वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करूंगा वो आपको मतलब अदर क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रोवाइड करने की। तो इसके थ्रू यार आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वेबसाइट में यार आपको अगर आप मॉडल पेपर वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक मतलब 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यार आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पर अगर आपको यार मॉडल पेपर डाउनलोड करते हैं मॉडल पेपर क्लिक कीजिए, सिलेबस तो सिलेबस पर। ठीक है, और बाकी यहाँ पे यार आपको मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर ये सभी मतलब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा अभी फिलहाल, क्योंकि यार ये इनकम्प्लीट है, अकेले से यार उतना कुछ नहीं हो पाता है, बट यार मैं जितना ट्राई कर रहा हूँ आप खुद से करने की। तो आई होप गाइस यार आप सबको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात की, जितने भी मैंने पीडीएफ दिए ठीक है सभी का यार आपको मतलब वीडियो है यूट्यूब में मिल जाएगी, तो अगर आप वो देखते हैं तो यार आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव फुल होगी। ठीक है, तो ओके गाइस अच्छे से पढ़िएगा एंड मैं मिलता हूँ आपसे यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।